हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए जून करंट अफेयर्स की कहानी। तो इससे पहले दो पार्ट मैं ला चुका हूँ, पार्ट वन पार्ट टू। उम्मीद करता हूँ वो आपने देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके SBI क्लरिकल मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और आज हम पार्ट थ्री को लेकर बातचीत करेंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जून वाला बेटा, ये चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे हो, चाहे SSC, सभी में ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको स्टेट एग्जाम देना चाहते हो स्टेट लेवल का, तो वहां पे भी आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। आजकल तो दोस्तों हर जगह करंट आता है, तो इसलिए करंट को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं फिर कहानी को शुरुआत। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने कहाँ तक की कहानी पढ़ ली थी। देखो भाई, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका था आपको। चलो एक बार रुक जाइए, वेट एक सेकंड, मैं आपको शो करता हूँ। जहां तक मुझे याद है, मैंने 250 न्यूज कवर करा था आपके साथ, है ना। एक मिनट, हम 250 वाली न्यूज पे पहुंच जाते हैं। 250 न्यूज नंबर है दोस्तों, ये रहा, लीजिए। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वाला यूज करा था। चलो तो इससे आगे कहानी स्टार्ट करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, बस स्टार्ट करा जाए। लीजिए, तो मैं सीधे वहीं पहुंचता हूँ, मीराबाई चानू जी के पास। और उससे आगे हम कोशिश करेंगे यार, दोस्तों अगर पूरा खत्म हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज देखते हैं आगे कहानी पार्ट फोर में लेके आएंगे फिर। कोई नहीं, आप चिंता मत करो, ये हम देखते हैं अगला पार्ट अगर होता है तो अच्छी बात, नहीं तो इस पार्ट में खत्म कर देंगे सारी खबरें। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। मीरा भाई चानू दोस्तों आ जाए तो बता देना। ये देखो चल रहा हूँ मैं भी देखता हुआ, आराम से चलते 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 जस्टिस AK सिकरी आ गए। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, फोटो भी हो गया था। और इसी तरीके से हम बढ़ते 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 आप ये रही मीरा भाई चानू, बिल्कुल सही जगह रुके हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको कल कहानी बता चुका था जो हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे इससे आगे का करंट। तो चलिए दोस्तों करते हैं फिर शुरुआत, लेट नहीं करते, देखते हैं क्या क्या है आज की करंट अफेयर्स की कहानी। तो लीजिए पहली न्यूज। लो भाई, अभी हाल ही में कन्नड़ एक्टर हैं जिनका नाम है संचारी विजय, इनकी डेथ हो चुकी है, मात्र 37 साल उम्र थी, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये कौन से उससे थे, कन्नड़ थे, याद रखिए। आगे देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में 15 जून वाले दिन डे सेलिब्रेट हुआ है, ग्लोबल विंड डे या वर्ल्ड विंड डे के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है विंड यूरोप एंड GWEC के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो डेनमार्क कंट्री है उसको कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। चलो आगे देखते हैं, लीजिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस के बारे में बात किया जाए, ये होता है हमेशा 16 जून वाले दिन, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये फैमिली रेमिटेंसेस वाला डे है, IDRF, ये हमारे 16 जून को बनाया जाता है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये एवरी 17 जून वाले दिन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वस्तु 17 जून वाले दिन ही बनाया जाता है। और इस बार का जो थीम रहा है वो है रिस्टोरेशन लैंड एंड रिकवरी, इसका थीम रहा है, याद रखें। लीजिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है हमारे किसमें, इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने यूरोप का जो लार्जेस्ट डिजिटल आपका एक स्टार्टअप इवेंट है जिसका नाम है वीवा टेक, इसके लिए इनवाइट किया गया है। और ये जो है 5वें नंबर का एडिशन है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि यहाँ पे 5 पिलर्स हैं, तो हमारा इसके मेन में बातें बोली गई हैं, कौन कौन सी, टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम एंड कल्चर ऑफ ओपननेस। तो ये हमारे 5 यहाँ पे पिलर हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीवा टेक है, ये लार्जेस्ट डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट इन यूरोप, मतलब यूरोप का एक बहुत बड़ा डिजिटल स्टार्टअप इवेंट है जो हर साल पेरिस में होता है 2016 से। चलो आगे देखते हैं, लीजिए भाई, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने है अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और UAE को इलेक्ट करा है क्या, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द टर्म 2022-23, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों,
अभी जो है ये जो 193 मेंबर्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ये पता होना जरूरी है। और यहाँ पे जो होते हैं 15 मेंबर होते हैं दोस्तों, याद रखना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और इनमें जो यूएनएससी होता है वो 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 आपके टेम्परेरी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये 10 वाले मेंबर हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई भाई अभी स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे स्कॉट मॉरिसन साहब हैं और बोरिस जॉनसन साहब यूके के, इन दोनों ने अभी क्या बोला है, ऑस्ट्रेलिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। आपको सिंपल वे में पता होना जरूरी है। और इससे क्या हुआ, इन दोनों कंट्री या इनके दोनों देश अपने आपको आगे बढ़ा सकेंगे ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है हम जल्द ही क्या बनाएंगे, वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड बनाने जा रहे हैं। लो भैया, और आने वाले नेक्स्ट टू 4 मंथ्स में, 4 टू 5 मंथ्स में इसको बना दिया जाएगा, ऐसा राजस्थान सरकार के द्वारा बोला गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में फेसबुक के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया बेटा, और उसका नाम है इस इनिशिएटिव का रिपोर्ट इट और डोंट शेयर इट, मतलब समझ गए, रिपोर्ट इट और डोंट शेयर इट कैंपेन है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे कि ये जो आपने देखा होगा आजकल हम FB वगैरह पे जो हम देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नाम ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बिल्कुल गलत है ना, मतलब किस रिलीजन के अगेंस्ट हैं या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें किसी की मतलब हार्मफुल कंटेंट्स है, अब्यूजिव कंटेंट है, तो उसमें बोला है रिपोर्ट करो और इसको शेयर मत करो, ऐसा कैंपेन चलाया गया है किसके द्वारा, फेसबुक के द्वारा। चलिए इसके लिए इसने जो है दोस्तों आराम इंडिया इनिशिएटिव जो है उसके साथ कोलेब्रेशन किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, साथ में साइबर स्पेस फाउंडेशन और अर्पण के साथ भी हाथ मिलाया है। चलिए आगे देखते हैं। चलो भाई पानी पी रहा था मैं, क्या सर दिया क्या करा जाए। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में जो ट्रेड टैक्स है जो कि ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी वीजा है, उसने अभी हाल ही में कंट्री का जनरल मैनेजर सुना है, किसको, तजिंदर गिल को। तो एक सिंपल वे में तजिंदर गिल जी बनाए गए हैं कंट्री के जनरल मैनेजर, ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में विप्रो ने बोला है कि वो डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप करेगा, जिससे कि न्यू वर्क स्टैंडर्ड इनिशिएटिव किए जा सकें जो हमारे हेल्दी रेजिलेंट और इक्विटेबल फ्यूचर वर्क, मतलब एक तरीके से इक्विटी लाएगा, हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा, ऐसा हमें बोला जा रहा है। बच्चों तो याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है कोलोनी में पड़ता है, क्लाउस स्कोफ इसके फाउंडर और यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सादिया जाहिदी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, ICICI बैंक ने भी लॉन्च किया है ICICI स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। तो एक सिंपल है ना, ICICI स्टैक कौन लाया है, ICICI बैंक किसके लिए, वो कॉर्पोरेट्स यूजर्स के लिए लाया है, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे रखना ICICI बैंक ने भी हाल ही में 8 इकोसिस्टम ब्रांचेज ओपन करी थी, 5 मुंबई में थी और 3 हमारे दिल्ली NCR में ओपन करी गई थी। चलो आगे देखते हैं। लो भाई बच्चों, गोदरेज का नाम सुना होगा, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो इसने अभी डिजाइन योर EMI होम पर्सनल लोन डिजाइन का, मतलब एक तरीके से पर्सनल लोन जो EMI होते हैं, होम पर्सनल लोन जो होते हैं उस पर इसने डिजाइन योर EMI लॉन्च किया है, जिसपे आप क्या कर सकते हैं, गोदरेज के अगर अगर आप इक्विपमेंट्स लेते हो कोई भी हमारा, जैसे कि आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है गोदरेज, उसका कोई सामान लेते हो तो आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, गूगल पे ने बोला है, गूगल पे ऐप जो है सपोर्ट करना शुरू हो चुका है, किससे, थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट बाय SBI, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और क्रेडिट कार्ड बाय इंडसइंड और HSBC, मतलब इनके ऐप्स ने गूगल पे ने टाई अप कर लिया है, यहाँ पे ये भी एक्सेप्टेबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों गूगल ने जो है, गूगल पे ने टोकनाइजेशन अवेलेबल था कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, SBI कार्ड और एक्सिस बैंक के साथ, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, नीविया इंडिया का नाम सुना होगा, नीविया कंपनी बहुत जानी मानी है, उसने अजय सिन्हा को अपना मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पर चुन लिया गया है, मिस्टर अजय जी बने हैं, याद रखना, सिंपल वे में आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं भाई, सोनी लेव के बारे में बात किया जाए तो सोनी लेव आप जानते हैं, जैसे कि आजकल अमेजन प्राइम वगैरह है वैसे सोनी लेव है, उसने अपॉइंट किया है श्रीधर रेड्डी को अपना हेड, अरे तेलुगु कंटेंट और डिजिटल बिजनेस के लिए लॉन्च किया गया है, ऐसा आपको पता होना जरूरी है। और याद रखना दोस्तों, श्रीधर रेड्डी आपको मधुरा श्रीधर रेड्डी के नाम से भी जानते हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, ये भी पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लो भाई बच्चों, अभी हाल ही में HSBC जो बैंक है उसने रघु नारुला को हेड ऑफ वेल्थ
रिटेल बैंकिंग अपॉइंट करा है 1 अगस्त से, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और इन्होंने रामाकृष्णन ने इसको हटा दिया है, मतलब इनको रिप्लेस करा है, ये भी आपको ध्यान रखना। HSBC के बारे में बात कर रहे हैं तो हांगकॉन्ग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन दोस्तों इसका पूरा नाम है, और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है लंडन UK में पड़ता है, और न्यूयॉर्क क्वीन इसके क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। चलिए आगे न्यूज देखते हैं दोस्तों। लो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है सत्य नडेला जी को अपना चेयरमैन बना दिया है कंपनी का, जो कि पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो सत्य नडेला साहब बन गए बोर्ड के चेयरमैन, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म ने हाथ मिलाया है, जिससे कि हम नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है गुजरात के लोथल में बना सके, ये आपका लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखा जाए दोस्तों, लीजिए भाई बच्चों अभी हाल ही में स्टेट ऑन है SGVN लिमिटेड, इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है, मतलब एक एग्रीमेंट, जिससे कि सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को बनाया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके, उसके लिए काम किया गया है। ठीक है, ये भी आपको बताना जरूरी है दोस्तों। अगली न्यूज देखते हैं तो वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट वीजा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों याद रखना, वर्ल्ड का जो पहला वुडन सैटेलाइट है उसका नाम है वीजा वुड सैट, इसको जो है न्यूजीलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको लॉन्च किया जा रहा है, और कहाँ से, न्यूजीलैंड से। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला है कि हम इसको भेजेंगे अर्थ के ऑर्बिट में 2021 के एंड में, और इसको जो है न्यूजीलैंड से लॉन्च करेंगे। ठीक है, और इस मिशन को जो इनिशिएट कर रहा है, कौन कर रहा है, ज़ायरी मैकेट के द्वारा इसको इनिशिएट किया जाएगा। तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए बस, स्टार्ट करते हैं। लीजिए अगले न्यूज, लो भैया इसको नहीं चैन है, सब दुनिया को चैन है बच्चों। अभी हाल ही में 17 जून वाले दिन शेंजोन 12 मिशन, ये अभी हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप ध्यान रखना। चाइना ने सक्सेसफुली फर्स्ट 3 क्रू मेन क्रू जो है स्पेस स्टेशन में पहुंचा दिया है अपने क्रू मिशन के तहत, ऐसा यहाँ पर बोला गया है 5 सालों के अंदर। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बोला गया है कि चाइना जो अपना स्पेस स्टेशन है 2022 तक कंप्लीट कर लेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलो आगे देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर और यांताई इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल जोन रिसर्च इन चाइना, यानी कि यांताई और IIT खड़गपुर ने हाथ मिलाया है, और ये क्या बनाएंगे, नॉर्थ इंडियन ओशियन जो रीजन है वहाँ पे जो हमारे साइक्लोन्स वगैरह होते हैं उसको डिटेक्ट करेंगे, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाइए, एक टेक्नोलॉजी बनाइए जिससे कि साइक्लोन्स वगैरह को डिटेक्ट किया जा सके नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में। और ये बात कहाँ पब्लिश हुई है, एटमोसफेयर रिसर्च एक जर्नल है, वहाँ पे ये बात लिखी गई है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। लो भाई भाई अभी हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है 18 जून वाले दिन, तो आपको हर साल पता होना चाहिए 18 जून वाले दिन इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, पिकनिक डे तो पता ही होगा, तो 18 जून पे हमारा इंटरनेशनल पिकनिक डे भी होता है, पिकनिक डे के बारे में बात बताने की जरूरत है नहीं, ये तो आप बनाते रहते हो आजकल, है ना, पार्टी करते रहते हो, पिकनिक मनाते रहते हो। अगला देखते हैं, अच्छा ऑस्ट्रिक प्राइड डे, ये होता है हमारा 18 जनवरी वाला, 18 जून वाले दिन, ये भी आपको पता चाहिए, 3 और 18 जून का दिन है। ठीक है, पिकनिक वाला भी 18 जून था, और ये भी हमारा कहाँ है, 18 जून। और इसका जो थीम रहा है इस बार का, वो याद रखना दोस्तों, इंक्लूजिंग इन द वर्क प्लेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ये भी आपको बताना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, लो भाई बच्चों अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में पड़ता है, उसने क्या करा है, 484 मिलियन US डॉलर अप्रूव कर दिए हैं कि वो जो है रोड कनेक्टिविटी जो है वहाँ चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तमिलनाडु में उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल वे में आपको बताना जरूरी है कितने करोड़ पे, आपके 484 मिलियन डॉलर। आगे देखते हैं, लो भाई भाई हरियाणा सरकार ने एक बात बोली है कि हम वन टाइम पेमेंट प्रोवाइड करेंगे 5,000 रुपये का दोस्तों, कितने रुपये का, 5,000 रुपये का, स्मॉल शॉपकीपर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, ऑटो रिक्शा को, जिससे कि उनको मदद की जा सके ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, ऐसा यहाँ पे हरियाणा के द्वारा दोस्तों बोला गया है। हरियाणा के बारे में बात करा जाए तो याद रखना चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, और खट्टर साहब इसके क्या हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर तो बदल गए हैं दोस्तों, गवर्नर ये नहीं रहे। आगे देखते हैं, जी बच्चों वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपकी ममता बनर्जी, इन्होंने लॉन्च किया है गवर्नमेंट का कृषक बंधु योजना। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है हमारा जो फार्मर्स को जो मदद मिलती है उसको 10 एकड़ डबल करने की बात बोली गई है,
ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एटलीस्ट वन काठा अगर लैंड है आपके पास, मतलब इसमें बोला गया है कि जिनके पास एटलीस्ट वन काठा लैंड है यानी कि इतने एकड़ लैंड है, तो उनको जो है 4,000 रुपये मिलेंगे और 2,000 रुपये दे यूज टू अर्लियर, मतलब 2,000 रुपये पहले उनको दे दिए जाए। ठीक है, जैसे कि पहले 2,000 मिलते थे उसको डबल करके 10,000 कर दिया, यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे देखते हैं भाई, फेडरल बैंक ने दोस्तों भी हाथ मिलाया है इन्फोसिस के साथ और लॉन्च किया है क्या, इन्फोसिस के साथ हाथ मिला के फेडरल बैंक ने बोला है स्ट्रेटजिक कोलेबोरेशन विद ओरेकल एंड इन्फोसिस। ठीक है, मतलब एक तरीके से ओरेकल और इन्फोसिस के साथ हाथ मिला है जिससे कि कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाया जा सके ओरेकल CX मतलब प्लेटफॉर्म का यूज करके, ओरेकल कस्टमर एक्सपीरियंस जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करके काम करने के लिए बोला गया है। फेडरल बैंक के बारे में याद रखना दोस्तों, ये इसका जो फेडरल बैंक है वो आपके केरल में एक जगह पड़ती है अरुगो में पड़ता है, याद रखना अरुगो पता होना जरूरी है। और श्याम श्रीनिवासन इसके क्या है, CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलो भाई आगे देखते हैं, लीजिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट भाई, LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, इसने लॉन्च किया है कॉन्टेक्ट लेस प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जिसका नाम है शगुन, और इसके लिए इसने IDBI बैंक से हाथ मिलाया है और रुपए प्लेटफॉर्म पर यूज करेगा और यहाँ पे 500 से 10,000 रुपये तक के गिफ्ट दिए जा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। एक तरीके से आप जैसे कि भाई अभी जो है बढ़िया चीज़ है ना, शगुन कार्ड से लॉन्च किया, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लो भाई कैनरा बैंक ने बच्चों अभी क्या बोला है कि कैनरा बैंक ने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, या जिसको हम बैड बैंक भी बोलते हैं, इसको 12% स्टेक क्या करा है आपका, आप प्रोवाइड करा है अपने किसके द्वारा, कैनरा बैंक के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया लगभग 22 बैंड लोन जो इतनी करोड़ 89,000 करोड़ है, इसको NARCL के द्वारा मतलब इस बैंक ने ट्रांसफर कर दिए स्टार्टिंग में, अब ये इसको रिकवर करेगा, याद रखिएगा। कैनरा बैंक के बारे में हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में पड़ता है दोस्तों, टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है, ये आपको बताना चाहिए। और अभी हाल ही में सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, उड़ चलो एक कंज्यूमर सर्विस कंपनी है जो कि इंडियन डिफेंस पर्सनल के लिए इसने रवि कुमार को CEO अपॉइंट करा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक सिंपल में रवि जी बने हैं उड़ चलो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों आगे देखते हैं, लीजिए अच्छा, 5paisa.com का नाम सुना होगा, तो अंकित फिटकरी वाला क्या नाम है, अंकित फिटकरी वाले को उसने चीफ बिजनेस ऑफिसर बना दिया है और हेड ऑफ द प्रोडक्ट बनाया है। इससे पहले बच्चों फिटकरी वाला जी पेटीएम मनी के साथ काम कर रहे थे हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर। चलिए आगे देखते हैं, और जब टाइमेक्स के ग्रुप की बात बोला जाए तो अभी हाल ही में टाइमेक्स ग्रुप इंडिया ने बोला है, हम एडिडास के एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं फॉर्मर इंडिया के लिए मनोज जुनेजा, इनको अपना वाइस प्रेसिडेंट सेल और मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं। तो मनोज जुनेजा जो बने हैं अभी हाल किसके बने हैं दोस्तों, टाइमेक्स ग्रुप के बने हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भाई अभी हाल ही में युवराज सिंह को अपॉइंट कर लिया गया है ब्रांड एम्बेसडर पुमा मोटर स्पोर्ट इंडिया के लिए, तो वही फॉर्मर हमारे क्रिकेटर अमित युवराज जी चुन लिए गए हैं, याद रखिएगा पुमा के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए भाई बच्चों अभी हाल ही में एच एनर्जी ने MOU साइन किया है पेट्रो बंगला के साथ, किसके साथ, पेट्रो बंगला के साथ, और ये जो है सप्लाई करेगा रिगैसिफाइड लिक्विफाइड LNG यानी कि RLNG इंडिया से बांग्लादेश को, तो ये यहाँ पे बोली गई है आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए बच्चों एक पाइपलाइन बनाई गई है कनाई छाता टू श्रीरामपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वास्ट बंगाल को बांग्लादेश से कनेक्ट करती है। अगले न्यूज के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, ठीक है, पोर्ट शिपिंग वाटर बोर्ड ने एक MOU साइन करा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ जिससे कि सी प्लेन सेवाओं को बनाया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए बच्चों 2021 की जो नाटो समिट है वो कहाँ पर होने जा रही है, ब्रुसेल्स होने जा रही है। नाटो का फुल फॉर्म याद रखना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है, और ये जो है 31 नंबर का फॉर्मल मीटिंग होगा, ये भी बताना जरूरी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों नाटो के हमारे कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर यहाँ पे नाटो के सदस्य हैं। और इसके अलावा याद रखना यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये एक तरीके से जो पार्ट है कैसा कहा जाए, जो US प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इनकी एक फर्स्ट फॉरन ट्रिप के तौर पर होगा, ये भी यहाँ पर बोली जा रही है। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने जो है नाटो 2030 का एजेंडा भी रखा है, ठीक है, तो कि हम फ्यूचर में अपने जो चैलेंजेस होते हैं जो फेस कर रहे हैं उसको दूर करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या है दोस्तों, लीजिए भाई बच्चों अभी IIT बॉम्बे
होस्ट करेगा, इसने होस्ट किया 3 दिनों का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर ब्रिज नेटवर्क यूनिवर्सिटीज ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक इम्पॉर्टेंट है, इसका थीम भी जरूरी रखना दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थीम है इसका, ये भी आपको बताओ ना जरूरी है। और ये जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज बोला जाए तो 13 ब्रिक्स समिट है इस साल की यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों अलग अलग तरह जगह से ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के 18 एक्सपर्ट बुलाए गए थे जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लो भाई बच्चों, अभी हाल ही में सी आर विश्वनाथन, जो कि हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका हाल ही में देहांत हो गया और इस समय AIF के बारे में बात कराया है, उसके इसका हेडक्वार्टर हमारे कहा न्यू दिल्ली, और प्रफुल्ल पटेल इसके प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, ये बताना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में जो एक डे बनाया गया नेशनल रीडिंग डे, और ये कब होता है 19th ऑफ जून, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो रेस्पेक्ट डे होता है आपके PN पानिकर के रेस्पेक्ट में होता है, याद रखना है, जिनको जिनके द्वारा एक लाइब्रेरी मूवमेंट चलाया गया था केरल में, उनकी डेथ एनिवर्सरी है 19 जून, उनके रेस्पेक्ट में बनाते हैं। देखिए जो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट होता है 19 जून वाले दिन, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इस बार का जो थीम रहा है ओरिएंट द वर्ल्ड फंड रेस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड करेक्ट, ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लो भाई बच्चों, अभी हमारा जो एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका नाम है, जिसका जो आपका नंबर है 155260, तो ये जो है अभी हमारा होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑपरेशनलाइज किया गया है, जहाँ पे आप कोई भी साइबर फ्रॉड होता है उसको आप जो है बता सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। मतलब साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए, अब जैसे कि आपको पता है इंडिया में कितनी समस्याएं हैं इस समय, है ना, अब हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो आप कहाँ कंप्लेंट करेंगे, तो उस समस्या को दूर करने का ये समाधान है। नंबर को रट्टा मान लो सारे दोस्त, 155260। आगे देखते हैं प्लीज। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि हम $250 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, किसको, बांग्लादेश सरकार को दोस्तों, तो बांग्लादेश को ये मदद करने जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे क्या किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके कंट्री को, और उसको आगे बढ़ाया जा सके, तो बांग्लादेश को लोन दे रहा है इंडिया को, तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना कितने का लोन दे रहा है, $250 मिलियन का। आगे देखते लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जापान ने बोल दिया है कि हम एक वैक्सीन पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले महीने में, और ये जापानी ट्रेवलर्स के लिए होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है, जिससे कि उसको पता चल रहा है कि कौन कौन हमारे वैक्सीनेट हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, ठीक, तो ये अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों आप सभी से बोलूंगा, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो अभी वैक्सीन ले दो, हो सकता है अगर आपको बाहर में ट्रैवल करना पड़े, इंडिया में ट्रैवल करना पड़े, तो मे बी वैक्सीन कंपल्सरी हो जाए, तो जो देर मत करो वैक्सीन को लेके आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं भाई, पंजाब पंजाब के राणा गुरमीत सिंह सोधी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेशल मोबाइल ऐप जिसका नाम है खेड़ो पंजाब। लो भाई खेड़ो पंजाब आया है हमारा एक एप्लीकेशन, जो कि हमारे सोडी भाई ने लॉन्च किया है, आपको बताना चाहिए, और जो हमारे पंजाब के स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उसके लिए दोस्तों ये लाया गया है, ये आपको भी बताना जरूरी है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों प्लीज। अगले न्यूज के बारे में बात करा जाए तो अभी हाल ही में उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने भाई लॉन्च किए हैं ई लर्निंग मेथड स्टूडेंट्स के लिए, जैसे ई पाठशाला हो गया, ई मूल्यांकन हो गया, उड़ीसा सरकार लाई है, जिससे कि आपका एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, एजुकेशन को इजी बनाया जा सके। प्लीज अगली न्यूज भाई, फोन पे का नाम सुना होगा आप दोस्तों ने, तो लॉन्च कर दिया इंडिया का पहला वॉलेट ऑटो टॉप ऑफ फीचर, मतलब आप अपने वॉलेट को आप ऑटो टॉप अप कर सकते हो, इसमें आप UPI ई वैलेट का इंस्ट्रक्शन दे दो और उसकी मदद से आपका वॉलेट जो है ऑटो टॉप अप हो जाएगा, मतलब आपको बार बार ऐसा नहीं है कि आप एक तरीके से इस ई वैलेट को, मतलब दोस्तों ये है यहाँ पे कि ऑटो टॉप अप का मतलब ये, आप उसमें रिक्वेस्ट सेंड कर दो मुझे भैया जब भी हो ऑटोमेटिक 1000 रुपये चढ़ जाए, तो 1000 रुपये आपके चढ़ जाएंगे, 100 रुपये डालना है तो 100 रुपये ऑटोमेटिक खत्म होती है, वो इंस्टॉल उसमें हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा, मैं तो वन प्लस ब्रांड नाम सुने होंगे, इसने नौ इसने जसप्रीत बुमराह जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वियरेबल कैटेगरीज के मामले में, याद रखिएगा ये भी बताना जरूरी है, कौन सी कैटेगरी, वियरेबल, जैसे कि आपको पता है वॉच हुआ, बैंड हुआ, है ना, उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ का, शेंजहेन, या ये भी चाइना की कंपनी है, देख लो वन प्लस, है ना, और पीटे लाओ उसके कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आगे देखते हैं भाई, आशीष चंदोलकर जी को चुन लिया गया है इंडियाज WTO परमानेंट मिशन के लिए डायरेक्टर, तो एक सिंपल वे में याद रखना, अभी हाल ही में जो है इंडिया के WTO परमानेंट मिशन के डायरेक्टर कौन बने हैं, आशीष चंदोलकर जी, इनका नाम आपको बताना जरूरी है, 3 सालों के लिए इन्हें अपॉइंट करा गया है। WTO के बारे में बात करूँ बच्चों, तो WTO के 164 मेंबर्स हैं, और इसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो है अफगानिस्तान, ये भी आपको बताना जरूरी है, अफगानिस्तान के वैसे कोई मेंबर बना, और इसके अभी हाल ही में हेड बनी थी नगोची बहना, मैंने बहना बोलता हूँ दोस्तों, आप इशा ध्यान रखें, एक बार आप फोटो बोलेंगे तो आपके अंतर आत्मा से खुद ही बहना वर्ड निकल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, ये भी बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं।
लीजिए वे मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, अभी मोंटेक सिंह अहलूवालिया नाम शायद सुने हो तो बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी है जो हमारे प्लानिंग कमीशन था दोस्तों, पहले उसके डेप्टी चेयरमैन थे मिस्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी को, और इनको अभी मेंबर ऑफ ए हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप का बना दिया गया है मेंबर, जो कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा बनाया गया है। तो मतलब वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने एक हाई लेवल ग्रुप बनाया है, और उसके जो वो बने हैं मेंबर वो कौन है, मोंटेक बाबूजी हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता ही है दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, डेविड मलपास की प्रेसिडेंट है। आगे देखते लीजिए भाई, करीम खान जी नाम सुना होगा, ब्रिटिश द्वारा है दोस्तों मिस्टर करीम खान, तो अभी हाल ही में ये न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर बना दिए गए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। लो भैया कितनी बड़ी बात है, ठीक है, तो क्रिमिनल कोर्ट के ये अभी हाल ही में न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं, आपको बताना जरूरी है। आगे देखते हैं, लो भाई बच्चों अभी सुमित्रा मित्रा जो हमारे इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं, इनको इन्होंने जीता है यूरोप का मोस्ट प्रेस्टिजियस इनोवेशन प्राइज, और नैनो टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये एक तरीके से यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे याद रखना, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड किसने जीता है, मित्रा जी ने जीता है 2021 का। चलो भाई सुमन सिन्हा जी के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो सुमन सिन्हा जो कि चेयरमैन और एमडी है रिन्यू पावर के, और अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनको बच्चों भी सम्मानित किया गया है एसडीजी पॉइनर्स के द्वारा, किसके द्वारा, यूएनजीसी के द्वारा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने बोला है कि सुमन सिन्हा को हम क्या कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं 10 SDG पॉइनर्स की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल है। चलिए ऐसा क्यों, क्योंकि तो इन्होंने क्लीन और एफोर्डेबल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा वर्क किया है, इसलिए। आगे देखा जाता है दोस्तों, लीजिए भाई अभी हाल ही में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये मिला है किसको, फैमिलिया फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो याद रखिएगा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको गया है, फैमिलिया फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान को दिया गया है, ठीक है, एक सिंपल में आपसे पूछ सकता है। और ये जो हमारा अवार्ड है बच्चों, इस सेरेमनी कहाँ पे होगी, अगस्त में होगी हमारे, कहाँ पे, चाइना में होगी, तो ये भी पता होना जरूरी, चाइना में इसकी सेरेमनी होगी, वहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा, लाइफ अभी चुन लिया गया है ऐसे कह सकते हो। नहीं तो जो IIM नागपुर ने हाथ मिलाया CIRT के साथ, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन नागपुर, जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, इसने हाथ मिलाया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ, याद रखिएगा, और ये क्या बनाएगा, इंडस्ट्री, मतलब ये जो है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जो होता है और वर्क को कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए हाथ में मिलाए गए हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है, सिंपल वे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए दोस्तों। चलिए और देखते हैं आगे खबरें क्या क्या हैं, लीजिए अगले न्यूज आपके सामने भाई, एक नाम सुना होगा आपने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जिसे हम बोलते हैं, तो CCI ने अभी हाल ही में मैग्मा HDI इंश्योरेंस कंपनी, जो हमारी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों याद रखना, उसने अभी अप्रूवल कर दिया है एक डील को कि इंडिया एडवांटेज फंड S4I और डायनेमिक इंडिया फंड S4S USI और NHPEA त्रिशूल होल्डिंग BV इसके एक्वायरेशन को इसने अप्रूव कर दिया है। मतलब जो हमारा मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस है उसकी जो एक्वायरेशन स्टेक है, मतलब इसको जो खरीदने वाली बात है, उसको अप्रूवल दे दिया है किसके द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर जो भी आ रहा नई दिल्ली में है, अशोक कुमार गुप्ता चेयरपर्सन है। लो भैया भाई एक नाम सुना होगा आपने, पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई क्वालिटी एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट, बड़ा अजीब वही नाम है, पासीफिया PASIPHAE नाम है इसका फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये जो है एक हमारा स्काई सर्विंग प्रोजेक्ट है, ये आप याद रखना, तो मतलब ये स्टडी ऑफ स्टार्स के लिए है एक सिंपल वे में। इस प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में क्या करा गया है, अभी लॉन्च करा गया है जिससे कि स्टडी किया जा सके, और इस स्टडी करने के लिए $1 मिलियन का फंड रखा गया है। अब ये देखो कौन कौन से साइंटिस्ट कर रहे हैं भाई, अलग अलग यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेटे, ग्रीस, कैलकैच, USA है ना, ये सब यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हैं, मतलब इन्वॉल्व हो रही हैं, और ये सब क्या करेंगी, स्टडी करेंगी तारों की। लो भैया तारों को भी नहीं छोड़ने वाले। आगे देखिए अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो इंडिया के नीरज चोपड़ा जी ने जीता है जेवलिन गोल्ड मेडल, याद रखिएगा, और ये जो जीता है पोर्टुगल लिस्बन में जीता है, याद रखिएगा, जेवलिन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पोर्टुगल की कैपिटल जानते हैं लिस्बन है, करेंसी यूरो। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लीज चिपता भाई, अभी रघुवीर जी नहीं रहे, इनका देहांत हो गया है और इनको महावीर चक्र मिला था, और दोस्तों ये ब्रिगेडियर थे, तो आप ध्यान रखें काफी एज थी बेटा, 99 ईयर्स के थे बताओ दोस्तों। और सोडा विलेज जो पड़ता है टोंक डिस्ट्रिक्ट में, आप राजस्थान का नाम सुना होगा, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है टोंक, वहां पर इनका जन्म हुआ था। चलो आगे देखते हैं, लीजिए
बट वर्ल्ड सीक्रेट सेल्फ अवेयरनेस डे होता है हर साल 19 जून वाले दिन, और इसका जो थीम दोस्तों इस बार रहा था शाइन द लाइट ऑफ द ऑन सिकल सेल्स, तो ये हमारी जो कोशिकाएं होती है उनसे संबंधित है, याद रखें। चलिए आगे देखते हैं, वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे, ये भी 19 जून को होता है और इसका थीम है द बेस्ट रेमेडी फॉर अ शॉर्ट टेम्पर इज लॉन्ग वॉक। बिल्कुल सही बात बोली है, आप भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे दोस्तों 20 जून वाले दिन होता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस बार का थीम रहा है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, वर्ल्ड फादर्स डे आपने बनाया होगा बच्चों, आप बोलते हैं ना फादर्स डे है तेरा, पापा जी का दिवस है, अरे कब होता है चाचा जान तो लो, याद रखना थर्ड सैटरडे ऑफ थर्ड संडे ऑफ जून, हर जून के तीसरे संडे को होता है और इस बार 20 जून को था पापा दिवस, तो याद रखिएगा वर्ल्ड फादर्स डे कब होता है, थर्ड संडे ऑफ जून को बनाया जाता है, एवरी ईयर पता होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों 21 जून तो आपको रटा होना चाहिए यार, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है, 2015 से बनाया जा रहा है और ये 7वें नंबर का एडिशन है, इस बार का थीम है योगा फॉर वेलबींग, तो रट्टा मार लो इसको। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी बच्चों 21 जून को बनाया गया और 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन हाइड्रोग्राफी इस बार का थीम था, रट्टा मार लो इसको, जो बोल रहा हूँ रट्टा मार लो, इनको रट्टा ही मार लियो ना तो एग्जाम में रो जाओगे आप। अगला वर्ल्ड म्यूजिक डे, रट्टा मार लो बेटा, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी होता है या मेक म्यूजिक डे या वर्ल्ड म्यूजिक डे भी 21 जून को होता है, ये भी पता होना चाहिए। लीजिए भाई आगे देखते हैं बच्चों, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कस्टम क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कोविड वॉरियर्स के लिए, ठीक है, तो इनको स्किल्स प्रोवाइड करेगा, एक सिंपल इन्हें पता होना चाहिए, उसने लॉन्च किया कोविड वॉरियर्स प्रोग्राम हमारा मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे 1 लाख कोविड वॉरियर्स को ट्रेंड किया जाएगा। लो भैया भाई, अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाले दिन केरल सेलिब्रेट करेगा, ठीक है, आपका वर्चुअली ऐसा है बोला गया, और यहाँ पे कई सारे इवेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे नेशनल आयुष मिशन जो ऑर्गेनाइज करेगा 12 घंटे का एक वर्चुअल योगा सेशन योगाथन, तो ये भी पता होना जरूरी है, बस योगाथन अभी हमारा कहाँ पे हुआ है, केरल में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं भाई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन बाबूजी ने इनॉगरेट किया है क्या मिन निगम, जो एक कंज्यूमर ग्रेवियंस रिड्रेसल सेंटर है चेन्नई में, ये भी आपको पता होना जरूरी है, और ये जो बिजली की समस्या होती है दोस्तों उसके लिए ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर हैं, स्टेलिन भाई साहब यहाँ के क्या हैं आपके चीफ मिनिस्टर, चेन्नई की कैपिटल। आगे देखते हैं, लो भाई बच्चों, नीतीश कुमार जी ने भी लॉन्च किए हैं 2 स्कीम्स, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ठीक है, तो एक यूथ और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च की गई है, पता होना जरूरी है। लो भैया बहुत अच्छी न्यूज है, IDFC फर्स्ट बैंक ने दोस्तों लॉन्च कर दिया एक इनिशिएटिव जिसका नाम है घर घर राशन प्रोग्राम, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जो एम्प्लॉयज है ना IDFC फर्स्ट बैंक के, उनकी जो हमारे एक मिनट तो इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम है दोस्तों, हाँ वही मैं कह रहा था, एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम है, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, इस प्रोग्राम में जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आपको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और उस पैसे को टक इकट्ठे करके उस पैसे से ही हमारे लो इनकम कस्टमर्स की मदद की जाएगी, ऐसा यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा बोला गया है, घर घर राशन प्रोग्राम। लीजिए जो इंडसइंड बैंक लाया है आप सभी दोस्तों के लिए इज इंडस इजी क्रेडिट, लीजिए भाई, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इजी वे में लैंडिंग कर सकते हैं, और सुमन कटपलिया इसके चीफ एग्जीक्यूटिव और हेडक्वार्टर इसके पुणे में है, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, लो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में माजमा फिनकॉर्प लिमिटेड जो है आपके उनके अभी जो बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम दोस्तों याद रखना विजय देशवाल साहब बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, विजय देशवाल जी बने हैं मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगले न्यूज के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु ने अभी अपॉइंट करा है क्या आपका डायरेक्टर, इसको डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर 5 ईयर्स, तो याद रखना ये साइकेट्रिस्ट हैं प्रतिमा जी, इनको अभी NIMH निमहेंस का क्या बनाया गया है दोस्तों, डायरेक्टर 5 सालों के लिए चुन लिया गया है और मार्च 2026 में रिटायर होंगी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना, और इनको बेटा WHO के रीजनल स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड वर्ल्ड नो टोबैको डे पर भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं भैया, बहुत बढ़िया बच्चों, अभी एक जर्नी है हिंदी फिल्म जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लाइफ, तो इसको लिखा गया है और डायरेक्टर की गई संतोष पांडा साहब के द्वारा, तो बच्चों याद रखना जो फिल्म है ना इसको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है वर्ल्ड फिल्म कार्निवल एंड सिंगापुर, तो सिंगापुर में जो कार्निवल होता है वहां पे से द आर्ट ऑफ लाइफ को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है, पता होना जरूरी है, और इसके डायरेक्टर साहब हैं पांडा जी संतोष जी। अगला देखते हैं बच्चों, महात्मा गांधी जी की डॉक्यूमेंट्री, ठीक है,
जिसको अभी एक नाम, अभी डॉक्यूमेंट्री जो है महात्मा जी की डॉक्यूमेंट्री, जिसको बनाया गया है हमारा अनंत सिंह, ठीक है, इनके फिल्म मेकर अनंत सिंह ने इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड मिला है कहाँ पे, 21st न्यू यॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। नाम देख लो क्या है इस डॉक्यूमेंट्री का, अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस, लीजिए भाई। और इसको लिखा गया है और डायरेक्टेड बाय रमेश सिन्हा, और फिल्म जो फिल्म मेकर है वो आनंद जी हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, और याद रखना दोस्तों ये भी देखो, गाना जो गाया गया है यूटी और ए आर रहमान के द्वारा गाया गया है दोस्तों, है ना। लीजिए भाई भाई, ये बहुत अच्छा न्यूज है, एक लाइन का न्यूज है बस भाई। अभी हाल ही में फ्लीट आवर फंक्शन हुआ था विशाखापट्टनम में, इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया, इंडियन नेवी के लिए, वहां पे सह्याद्री जो है उसको बेस्ट शिप टाइटल मिला है फ्लीट अवार्ड के मामले में। लो भाई, इंडिया ने अभी हाल ही में भूटान के साथ हाथ पांव मिला लिए हैं, और ये दोनों मिलकर एनवायरमेंट के क्षेत्र में बातचीत करेंगे। याद रखिएगा कैसे एयर पोल्यूशन दूर किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, क्लाइमेट चेंज कैसे दूर किया जाए, इन सभी को लेके बातचीत करेगा कौन, इंडिया और भूटान। याद रखें भूटान की कैपिटल है दोस्तों क्या, थिम्पू, और यहाँ के जो वो है क्या नाम है इसका, प्राइम मिनिस्टर शेरिंग जी हैं, लोटे शेरिंग, और करेंसी नगुल ट्रम्प, करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नगुल ट्रम्प है। लीजिए अगली न्यूज से दोस्ती करते हैं बच्चों। अभी हाल ही में जो न्यू वे ऑफ इमेजिंग इमेजिंग थ्रू फॉग डेवलप किया गया है इंडो फ्रेंच स्ट्रक्चर के द्वारा, मतलब हमारे जो इंडिया फ्रांस के रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नए एक टेक्निक बनाई है जिसमें हम फॉग में भी कोहरे में भी आप चीजों को देख पाएंगे। ले भाई जाओ, क्या करना तुम्हें, बस हम लोग इसी कितनी बढ़िया चीज बना ली है ना। तो ये रिसर्च टीम देख लो कौन कौन सी, अहमदाबाद के हैं आपके, बंगलुरु के हैं, पेरिस के हैं, फ्रांस के हैं, सबके द्वारा मिलकर बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इंडिया अभी 43rd नंबर पर रहा है किसमें, एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में, और भाई ये जो है नंबर वन पे रहा है कौन, नंबर वन पे रहा है स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। नंबर टू पे स्वीडन, फिलहाल इंडिया नंबर वन याद रखना चाहिए, नंबर वन पूछेगा स्विट्जरलैंड, और नंबर इंडिया की पूछेगा तो आपको क्या है दोस्तों, 43, 4 में से 3 का एक बचे बस ऐसे आता है, एक है स्विट्जरलैंड और 4 में से 3 क्या है हमारे इंडिया की रैंकिंग। लो भाई अगला न्यूज देखते हैं भाई। अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है 15वें नंबर का निकाला गया। अब देखो भैया इसमें शांति वाला देश देख लो कौन सा, भाई सबसे ज्यादा शांति वाला देश है दोस्तों वही चल रहा है, शांति आइसलैंड है ना, और जो सबसे कम शांति वाला देश है वो कौन सा, खतरनाक देश अफगानिस्तान, ऐसा यहाँ को बोला गया। इंडिया भैया शांति वांति के मामले में बात कराया तो ज्यादा शांति नहीं है, वैसे है इससे तो कमी है, ठीक है, मतलब अफगानिस्तान में सबसे कम शांति है, इससे तो शांति ज्यादा ही हमारे देश में, 135वें नंबर का याद रखना। और अगर मैं साउथ एशिया की बात करूँ तो दोस्तों भूटान जो है मोस्ट पीसफुल नेशन रहा है साउथ एशिया में, इसने नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका को पीछे पीछे कर दिया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी जो है शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर रहा है, मतलब आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी दोस्तों कि इंडिया ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 99,122 करोड़ रुपए भारत सरकार को भेजे थे, याद आया, पढ़ा भी था मैंने आपको, पढ़ाया भी था, अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, जो कि हमारा अगर मैं बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर ट्रांसफर करने वाला बन चुका है, और सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर किया है पूरी दुनिया में पैसा सरकार को किस कहाँ के सेंट्रल बैंक ने, वो है टर्की, तो टर्की के बाद इंडिया नंबर दूसरे नंबर पे आ गया, ये भी पता होना जरूरी है। चलो भैया कहीं तो है, आगे देखते हैं। लो भैया एक तो बड़ी दुख की खबर है, आप जानते होंगे बेटा मिल्खा सिंह जी नहीं रहे, और 91 ईयर्स के थे, और इनको भैया फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, है ना, बाकी अब इनके अचीवमेंट्स आप एक बार रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अभी हाल ही में संजय धोत्रे साहब, इन्होंने लॉन्च किया है NIOS डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, यौगिक साइंस में, और ये इंटरनेशनल योगा डे पे लॉन्च किया गया है, तो भैया आप योगिक साइंस में भी अब जो है डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो दोस्तों, और क्या चाहिए, ठीक है, ये भी पता होना जरूरी है। चलो भाई अगले न्यूज देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए बच्चों, अभी हाल ही में ईरान के नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विजय प्राप्त कर ली है इब्राहिम रईसी, बहुत रईस आदमी है दोस्तों, इनका नाम है रईसी है ना, तो याद रखिएगा ये हाल ही में इलेक्शन जीत चुके हैं ईरान के, और कैपिटल ईरान की तेहरान, करेंसी रियल है, और यहाँ पे सुप्रीम लीडर है अली भाई साहब, अली खामेनेई। लो भाई बच्चों, अभी हाल ही में वर्ल्ड का जो तीसरा लार्जेस्ट डायमंड डिस्कवर हुआ है कहाँ पे, बोस्टवाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल याद रखना दोस्तों कैमरोन, इसकी कैपिटल पता होनी चाहिए, करेंसी का नाम पूरा, तो ये वर्ल्ड डायमंड फॉर्म है जिसका नाम है डेफ्सवाना,
ठीक है, उसने बोला है कि अभी अपने बोट्सवाना में 1098 कैरेट स्टोन, जो कि दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट हमारे डायमंड है, वो हमने ढूंढ लिया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके अलावा भाई सबसे बड़ा कहाँ पे है ये तो बताना चाहिए। तो सबसे अगर बात किया जाए तो एक है हमारा पुली कैन, ये हमारे साउथ अफ्रीका में मिला है, ठीक है। और इसके अलावा एक है, ये भी हमारा बोट्सवाना में मिला था 2015 में, 1109 कैरेट का, ठीक है। ये इसका नाम है हमारा लेसेडी दा ला रोमा। अरे भैया कौन सा रोमा है, देख लीजिए, आगे देखते हैं। लो भैया भैया, अभी हाल ही में उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर बाबूजी नवीन पटनायक जी, उन्होंने लॉन्च किया COVID-19 ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए स्कीम, इसका नाम है आशीर्वाद। खत्म, एक लाइन का आंसर है। COVID-19 वाले ज्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्कीम का नाम याद रखना कौन लाया है, उड़ीसा फॉर आशीर्वाद फॉर द COVID-19, जो स्टूडेंट बेचारे अनाथ हो चुके हैं उन बच्चों के लिए लाया। आगे देखते हैं। और जो नागालैंड सरकार ने अभी बोला है कि हमने 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं सभी के खातों में। लो भैया, जितने भी हमारे बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके खाते में 2,000 रुपये हमने भेज दिए हैं। और ऐसे यहाँ पे स्टेट का जो सेस फंड है उसके तहत ही काम करा गया है, यहाँ पे अभी बोली गई है। इसके सिलसिला द्वारा नागालैंड ने बात बोली है। नागालैंड के बारे में कैपिटल याद रहा कोहिमा, नेफ्यू री उसके सीएम है और आनंद रवि भाई सबसे गवर्नर है। आगे गई देखते हैं। लो भाई बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी हाल ही में टैक्स रूल आ चुका है, उसमें बोला गया कि पैन को आधार से कनेक्ट करना 30 जून से पहले बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। भैया ये भैया जून की हुआ है तो जून के अकॉर्डिंग बोलेंगे ना, अगर आप इसको नहीं करेंगे कनेक्ट, तो आपका जो पैन कार्ड है या जो आधार है वो आपका क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, और KYC स्टेटस भी अवेलेबल नहीं होगी, इनवैलिड मानी जाएगी। भैया कर लेना कनेक्ट, ना तो सरकार कुछ भी कर सकती है। आगे तो भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने बोला है हम दोनों मिलकर इंप्लीमेंट करेंगे 5G नेटवर्क सॉल्यूशन इंडिया के लिए। भी 5G लाने की पूरी जोर तोड़ से तैयारी चल रही है और इसके लिए सब लोग अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उसको इन्होंने ग्रुप ने बनाया है ओरियन, ओरियन मतलब ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ये हमारा रेडियो और NSA ऐसे नॉन स्टैंड लोन कोर पर बेस्ड है। ये टेक्नोलॉजी वाले वर्ड से बेटा और कुछ नहीं, आप सिंपल में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये अच्छा है, देखो कुछ दमदार न्यूज आई नहीं बैंक वाले एग्जाम के लिए। बच्चों ICICI बैंक ने लॉन्च किया है कार्डलेस EMI फैसिलिटी कस्टमर्स के लिए रिटेल स्टोर पर, और इसके लिए पाइन लैब से हाथ मिला है, बताऊंगी छोटी है। पाइन लैब और ICICI बैंक ने बोला है कि आप भैया कार्डलेस EMI फैसिलिटी ले लो, और क्या चाहिए तुम्हें। लो भाई बच्चों, तमिलनाडु सरकार भी कुछ बोल रही है, अब इसकी बात में सुनो। तमिलनाडु सरकार ने बनाया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो ये भाई अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाई गई है, और इसमें बड़े बड़े लोग भैया यहाँ पर तो नोबेल विजेता हमारे एस्टर डफलो हैं, जो फॉर्मर RBI के गवर्नर रघुराम राजन जी भी हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं अरविंद सुब्रमण्यम भाई साहब भी हैं, है ना, प्रोफेसर जीन रीजी भी हैं, इकोनॉमिस्ट भैया वर्ल्ड वाइड, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एस नारायण जी भी हैं, ये सब लोग इसमें शामिल करे गए, ठीक है। और ये जो बहुत बोली गई है बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा रिवील किया गया है, और ये 5 मेंबर का टीम है जो कि हमारे आपका जो तमिलनाडु स्टेट है उसको डेवलप करने में उनकी मदद करेंगे, याद रखना दोस्तों। लीजिए भाई, तो भाई अभी हाल ही में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा आपने, तो इसने रुपेश पटेल को सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, और हिदेकी मासाको को डिप्टी चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट कर लिया है, या तो बताना जरूरी है, कोई ज्यादा खास नहीं है, एक लाइन के न्यूज ये है, बढ़िया न्यूज। तो अभी हाल ही में अनंत बरुआ जो होल टाइम मेंबर हैं किसके, सेबी के, इनको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लो भाई मजे आ गए, अब 31 जुलाई 2023 तक रहेंगे, याद रखना आपको एक नया अपॉइंटमेंट याद करने की जरूरत नहीं, पुराना वाला ही काफी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, KK शारदा का नाम सुना होगा दोस्तों, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरल स्टेट, इनको अभी 2021 सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज से सम्मानित किया गया, ये आपको पता होना जरूरी है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। हाल ही में अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NSIC मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया, और ये बना रहा है NSIC बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम, क्योंकि हमारे MSME जो होते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है दोस्तों उसको पूरा करने जा रहा है, ये याद रखिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई पड़ता है, और राज किरण राय जिसके CEO हैं। लो भैया, मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे पे लॉन्च कर दिया है ये एप्लीकेशन जिसका नाम है एम योगा ऐप। तो एम योगा ऐप कौन लाए, हर मोदी घर घर मोदी लाए, याद रखिएगा। और इसको बनाया गया WHO कोलेबोरेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो बोलती है उसके द्वारा ये बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
लीजिए भैया, बहुत अच्छी न्यूज सोचो। अभी एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई 2021 अट्ठान के द्वारा, अट्ठान बोले तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसने बोला है कि इंडिया को 64 बिलियन डॉलर एफडीआई मिला है 2020 में। रट्टा मान लो डेटा, बैंक वाले बच्चे खास तौर पर। पर यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन चुका है एफडीआई का इनफ्लो के मामले में, ऐसी बात बोली गई है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो हमारा यूएस है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा है इंडिया एफडीआई के मामले में, और फिर चाइना है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और इंडिया कौन से नंबर पे? पांचवें नंबर पे, ये भी ध्यान रखना। अट्ठान का हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड पड़ता है, याद रखना। आगे देखते हैं, बहुत अच्छी न्यूज भाई। अभी हाल ही में अमिताभ घोष ने एक किताब लिख दी है जिसका नाम है द नटमेग्स कर्स, पैराबल्स ऑफ फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस इन ऑजी। पूरा अभी किताब का नाम है, अक्टूबर 2021 में रिलीज हो रही है, और इसको पब्लिश किया जा रहा है जॉन मुरे के द्वारा, ये भी बताना जरूरी है। 14 अक्टूबर को आपके सामने बाजार में आ जाएगी, तो भाई पढ़ने वाले शौकीन जरूर पढ़ लीजिएगा, किताब का आनंद लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। चलो मैं पानी पीता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई, अभी मैक्स वेरस्टैपन जी है 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, और लुईस हैमिल्टन जी सेकंड नंबर पर हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, गुरु प्रसाद मोहपात्रा जी निपट गए, इनकी विदाई हो चुकी है, जो कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट रेट के सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, याद रखना दोस्तों। एक हमारे एक तरीके से कह सकते हो कि एक मिनिस्टर थे जो हमारे काम कर रहे थे, इनकी डेथ हो चुकी है भाई। अभी हाल ही में बात किया जाए तो WWF इंडिया ने उपासना कामिनेनी जो डायरेक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल की, इनको अम्बेसडर बनाया है, फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज का अम्बेसडर। तो फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज की अम्बेसडर कौन बनी है? उपासना जी बनी है दोस्तों, रट्टा मान लो। इस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अगर अगली खबर के बारे में बात किया जाए तो अभी डॉक्टर तड़ांग मीनू अरुणाचल प्रदेश की है दोस्तों, ये पहली बन चुकी है स्टेट में, और पूरे दुनिया पूरे इंडिया के दूसरी वुमेन है जो कि अभी मेंबर बनी है कुछ कमेटी ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन एसोसिएशन की, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग वो है हमारा फेडरेशन दोस्तों, उसकी जो वो बन गई है, क्या कहते हैं उसे, क्या नाम है यार उनका, मेंबर, वो कौन बन गई? तड़ांग मीनू की बन चुकी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लो भाई अगली न्यूज बहुत प्यारी भाई। अभी हाल ही में इंडियन की नेवी ने और जापान का मैरिटाइम, जापान ने दोनों ने मिलकर जो है मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स पार्टिसिपेट कराया, किसमें? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, एक तरीके से नेवल एक्सरसाइज FOIP इसमें, ठीक है। अब देखो ये हमारा INS कुलिश गया था इंडियन ओशियन में इंडिया की तरफ से, और याद रखना ये चौथे नंबर का एडिशन है जिमैक्स का, जिमैक्स नाम है इस एक्सरसाइज का, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा, ताहिरा कश्यप पुनाना ने एक लिखी है नई बुक जिसका नाम है 7 सेंस ऑफ बीइंग एंड मदर। तो ये भाई ताहिरा कश्यप जी ने लिखी है, पता होना जरूरी है, आप जानते ही होंगे ना। लो भाई, अगर न्यूज के बारे में बात किया जाए तो न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर लॉरेल हुबर्ड ये पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, याद रखेगा। ओलंपिक गेम में जाने वाले हैं ये हुबर्ड भाई साहब, याद रखें, न्यूजीलैंड के हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए भाई 21 जून को एक डे और होता है वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे, याद रखिएगा। तो ये भी 21 जून वाले दिन मनाया गया, जैसे योगा डे होता है वैसे इस तरह से ये भी होता है। वैसे 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया, इसको रट्टा मार लियो इस बार, क्योंकि 23 जुलाई से ओलंपिक शुरू हो चुके हैं, पता है ना दोस्तों, हाँ ऐसे रट्टा मार लेना। तो इस बार का जो थीम रहा है स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विद ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23rd of June, याद रखना, पहले 1948 में मनाया गया था भाई। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को बनाया गया, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इस बार का जो थीम है इनोवेटिंग द फ्यूचर सर्विस, फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर ए न्यू ईयर टू रीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में बच्चों एक कैंपेन लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मंत्री हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा, इसका नाम है जान है तो जहाँ है, बिल्कुल सही बात बोलिए दोस्तों। इसलिए आप भी अपनी केयर करो, घर वालों को ध्यान रखो, और वैक्सीनेशन करवा लो अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज देखते हैं। अभी जो है लगभग हमने अवार्ड, मुझे जहां तक उम्मीद है दोस्तों अवार्ड तो मैंने कितनी न्यूज कवर करती होंगी देखना पड़ेगा मुझे। चलो तो पहले न्यूज देखते हैं। लो भाई बच्चों, तो निकोल पाशियान जो है अभी अर्मानिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, याद रखो, एक लाइन में खत्म कहानी। अर्मानिया की कैपिटल है यरेवन और करेंसी ड्रैम। आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, इंडिया बिजनेस
प्रोसेस आउटस्टैंडिंग प्रमोशन स्कीम, जिसको बोलते हैं IBPS, इससे लॉन्च किया है क्या अभी एक लॉन्च किया गया है IBPS को, किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा, जिससे कि हमारे जितने भी IT और BPO कंपनीज हैं, ठीक है, उनको एक्सपेंड किया जा सके, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और ऐसा यहाँ पर बोला गया है, STFI, एक रिपोर्ट आई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के द्वारा, आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों वो हाईएस्ट रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर तमिलनाडु रहा है, ये बात बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकंड रुको दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अगली न्यूज़। एक बार मैं देख लेता हूँ बेटा, पहले मैंने कितनी न्यूज़ें कवर कर ली है ना, क्योंकि तो अभी ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी फिर गड़बड़ होगा। एक सेकंड रुक जाओ, देखते हैं। आई थिंक मुझे दोस्तों याद आ रहा है कि मुझे लगता है हमने, लो भैया 364 ग्राम का 164 खबरें कवर कर ली हैं, बस इतना रहने देते हैं, बाकी कहानी पर निपटा देंगे यार, है ना। कितनी है, 472 रह गई, पूरे पार्ट निपट जाएगा, है ना दोस्तों। अब एक चीज़ याद रखेगा, चलो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, मेरा जो क्लास होता है ना प्लस क्लास, वो होता है सुबह 7:30 बजे, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और शेयर कर देता हूँ दोस्तों, अभी अन अकेडमी पे जो है बहुत सारे कोर्सेज आए 28 जुलाई से, आप इसमें भी एनरोलमेंट कराओ बेटा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो पहली चीज़, ठीक है। और ये जो कोर्सेज हैं, अगर आप बैंक में तैयारी करना चाहते हो, है ना, मैं बैंक में एक्चुअली एजुकेटर बैंक में डील करता हूँ, अगर आपने प्लस प्रोफाइल पर फॉलो नहीं करा तो फॉलो भी कर लेना, पहले मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरी चीज़, ये हमारे अलग अलग बैचेस आए हैं अभी, देखो काफ़ी सारे बैचेस हैं, अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो भी लीजिए। और कल संडे है दोस्तों, अनअकैडमी पर कॉम्बैट होने जा रहा है, बेटा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर करना, वहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया उपहार मिलते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, ये अनअकैडमी कॉम्बैट कौन कौन से प्राइजेस, जान दो, एक नंबर पे है आईपैड, और क्या चाहिए यार, दो पे एयरपॉड है, JBL स्पीकर है, और प्लस स्कॉलरशिप वाला, ठीक है। तो ये सब मिलेगा आपको एवरी संडे सुबह 10 बजे, और अगर आप पहली बार इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कोड लगाना पड़ेगा, और मेरा कोड लगा सकते हो गेट लाइफ, बस ये लगा दो तुरंत आप एंट्री मिल जाएगी। और क्या, ये कोड बच्चों हर जगह लग सकता है, हर जगह मतलब यहाँ जैसे कि देखो लिखा है ना अप्लाई कोड, यहाँ पे लगा दें, मतलब अगर आप बैंक का सब्सक्रिप्शन लो, SSC का लो, रेलवे का लो, CBSE का लो, कोई भी लो, डजेंट मैटर, हर जगह आप मेरा कोड लगा सकते हैं, उसकी मदद मतलब से 10% का इंस्टेंट ऑफ पा सकते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 799 का है इस समय, 2 साल का 999 का, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा बच्चों RBI और ग्रेड बी का जो ऑफर चल रहा है, ये भी ऑफर चल रहा है, 6,900 रुपये का 6 महीनों का, 1,200 महीने का, 8,600, 24 महीने का, 10,300 का, ठीक है। और याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कोड को शेयर करते रहो, आज लास्ट डेट है 31 जुलाई है, मैं पहले बोल दूँ दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आज ही ले लो, हो कल हो ना हो, कहीं फीस बढ़ गई ना 1 अगस्त से, फिर मुझसे मत बोलना भैया, पहले बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। वीडियो अच्छे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम दोस्तों आप सभी के साथ एक बार फिर से, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।